कुंडा पुलिस इन दिनों अपराधियों के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी खुलेआम टहल रहे हैं। ज़्यादातर घटनाओं में तो पुलिस को ये भी नहीं पता कि इन घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी कौन हैं। फिर चाहे वो 2 दिसंबर को व्यापारी रामकृष्ण केसरवानी की हत्या का मामला हो या फिर कस्बे में आधा दर्जन से ज़्यादा हुई चोरियों का मामला हो। हत्या से लेकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी लगातार कुंडा पुलिस को सलामी ठोंक रहे हैं। ज़्यादा पीछे न जाकर सिर्फ एक महीने का रिकॉर्ड उठाकर देख लिया जाए तो इन अपराधियों के आगे पुलिस बेबस दिख रही है। बीते 1 दिसंबर को कुंडा कस्बे के प्रेम नगर मोहल्ला निवासी रामकृष्ण केसरवानी पुत्र राम सेवक केसरवानी अपने घर से दुकान के लिए निकला था, जहां रास्ते से ही वो गायब हो गया। दोपहर तक दुकान नहीं खुली तो ग्राहकों ने फ़ोन के माध्यम से घर वालों से संपर्क किया, जिसके बाद परिजनों को पता चला कि रामकृष्ण गायब है। काफ़ी खोजने के बाद भी जब रामकृष्ण का पता नहीं चला तो घर वालों ने कुंडा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करवा दी। अगले दिन 2 दिसंबर की सुबह कानपुर जनपद के साढ़ थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे रामकृष्ण का शव और पास में ही उसकी बाइक मिली। बाइक के नंबर की सहायता से कानपुर पुलिस ने कुंडा पुलिस को सूचना दी। शव घर आने के बाद आक्रोशित व्यापारियों और परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना की सूचना पर मृतक व्यापारी के घर पहुंचे कुंडा विधायक राजा भैया के समझाने के बाद अंतिम संस्कार हुआ। पूरी तरह हुए इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री में पुलिस उलझी ही थी कि चोरों ने आतंक मचा दिया। गांधीनगर मोहल्ले में चोर कृष्णा ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर गहनों से भरी अलमारी उठा ले गए। पुलिस अभी कुछ समझ पाती इसके पहले ही चोरों के इस गिरोह ने कुंडा कस्बे के अत्तानगर में गुलजार अहमद के घर लाखों की चोरी, वैष्णो कॉलोनी में आशीष मिश्रा के घर से लाखों की चोरी, वैष्णो कॉलोनी के ही रहने वाले रिटायर्ड बैंक कैशियर विनय तिवारी के घर से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम देकर कुंडा पुलिस को हैरान कर दिया। इन सब के बीच 20 दिसंबर की शाम कोतवाली क्षेत्र के अघिया गांव निवासी इरशाद उर्फ बबलू को गांव के प्रधान और उसके भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया। इरशाद कुवैत में रहकर रोजी रोटी के सिलसिले में कमाता था और ड्राइवरी का काम करता था। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है, वो भी आरोपी नामजद था, शायद इसी कारण ये सफलता भी मिली। वहीं व्यापारी रामकृष्ण के हत्यारोपी और आतंक का पर्याय बने चोरों को पकड़ना तो दूर, पुलिस अभी तक इन अपराधियों को चिन्हित भी नहीं कर पाई है कि ये अपराध कौन लोग कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कुंडा की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। खबरों के लगातार अपडेट के लिए रिपोर्टर आनंद के चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें।